हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पता है कि इस टेबल में हम इधर फंक्शन, फिर इधर डोमेन और इधर रेंज बताते हैं। ठीक है, और मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बता रही हूँ साथ में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो आपको पता है कि माइनस पाई टू पाई के बीच में वैल्यूज आती है। ठीक है, बहुत बार एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होता है, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू कोई एक ब्रांच बताइए, यानी उसको छोड़ के डोमेन में उसकी कोई भी आप ब्रांच बता सकते हैं। ये एमसीक्यू का पेट क्वेश्चन है, जो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। आपको क्लियर कट बता दूं, जो रेंज साइन एक्स की होती है ना, वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। अगर आपको याद होगा 10th में हम आप लोग बताते थे, या +1 में भी, कि साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 कहते थे, वो उसकी क्या थी, रेंज थी ना। तो साइन इनवर्स एक्स की वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ओके जी, -1 to 1, और इसकी रेंज जो है आंसर हमेशा -π/2 to π/2 के बीच में है। ओके, और इसकी प्रिंसिपल जो ब्रांच है ना, वो यही है -π/2 to मेरे पास हो गए π/2। थीटा लिख लो या साइन इनवर्स एक्स लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ही होती है। ओके, उसके बाद कॉस की वैल्यू मेरे पास, कॉस इनवर्स की एक्स की, फिर वही मेरे पास, इसकी डोमेन तो -1 to 1 ही रहेगी ना, क्योंकि कॉस एक्स की जो रेंज होती थी वो -1 to 1 होती थी, तो इसकी भी, बट इसकी जो रेंज है वो 0 to π हो जाती है, और प्रिंसिपल वैल्यू भी यही मेरे पास होती। ओके, सेम नाउ कम टू, ये चीजें हमने सारी की सारी की हुई है, अगर आपको याद हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, टैन इनवर्स की मुझे पता है -∞ to ∞, चाहे ऑल रियल लिख दो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और बेटा इसकी जो रेंज है -90 to 90, बट विद ओपन ब्रैकेट। ओके जी, और प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम मेरे पास। क्लियर, मैं बस मेन तीन बताऊंगी, क्योंकि सीकेंड इनवर्स को, सीकेंड इनवर्स सब को रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज यहां पर बता दूं बेटा, कि मेरे पास अगर साइन इनवर्स एक्स है तो कोसिकेंट इनवर्स ये 1/x होता है, एंगल अंदर वाली वैल्यू चेंज होती है। टैन इनवर्स एक्स जो है, कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो टैन इनवर्स 1/, एंगल के मतलब वैल्यू के अंदर चेंज होती है रेसिप्रोकल। वैसे टैन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा के, ये cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के, बट यहाँ वो इनवर्स अंदर चेंज है वैल्यू। ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास हो गए ग्राफ, वैसे सिलेबस में डिलीटेड है, बट एक बार आप रीड जरूर करो। ठीक है, मैंने भेज दिया ग्राफ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे। अब मैं मेन एंगल्स वाले, क्योंकि जो फॉर्मूले है ना वो मेरे क्वेश्चन को इजी कर देते हैं पहली एक्सरसाइज को, तो इसीलिए मैं वो फॉर्मूले जरूर आप लोगों को करवाती हूँ। लेट अस डू दैट फॉर्मूलेस। अब वो फॉर्मूले क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स,
ये माइनस टैन इनवर्स एक्स, ये माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स होते। बट इसके अलावा जो बच गए को वाले सारे ही कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस एक्सिस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है जी। और मेरे पास जो गए सीकेंट इनवर्स माइनस एक्सिस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो सीकेंट इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्सिस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके बेटा, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, क्लियर। फिर बेटा जो आपको नो डाउट मैं बार बार कह रही हूं, प्रॉपर्टीज रिटर्न है कि डिलीटेड है, प्रूफ मत करो, पर एटलीस्ट क्योंकि आगे चैप्टर्स इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव में ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं तो मैं आपको बता ही रही हूं, ठीक है। प्रूफ मत करो पर एटलीस्ट फॉर्मूले लर्न करो। नेक्स्ट मेरे पास टू गए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू के इक्वल, हाँ जी टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू के इक्वल, कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेकेंट इनवर्स एक्स पाई बाय टू के, फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई दैट इज टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। अगर यहां माइनस है, यहां माइनस, यहां प्लस, ओके जी क्लियर। उसके बाद मेरे पास हो गए नेक्स्ट डबल एंगल के फॉर्मूले जरूर याद कीजिए, टू टैन इनवर्स एक्स मेरे पास साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट टैन इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये फॉर्मूले सारे लर्न कर लो, इसे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हो जाएं। ओके जी, अब मैं क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ, फॉर्मूले सारे बता दिए आप लोगों को, तो लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अब मेरे पास जो है यहां पर इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस टू प्लस कोसेकेंट इनवर्स टू बाय रूट थ्री। अब सबसे बड़ी बात है, सीधा देखो ये सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स है। अगर आप फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। इतना मुझे पता चल गया कि यहाँ पाई माइनस सीकेंट इनवर्स टू, उस पर देखना है ना मैंने, तो दैट इज मेरे पास सिक्सटी पाई बाय थ्री पे होता है ना सीधा, पता चला कैसे लिखा, नहीं पता चला बेटा। मैंने आपको बताया सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स टू हो गया, सीकेंट की वैल्यू टू कब होती है, सिक्सटी पे होती है, सिक्सटी को कैसे लिखते हैं, पाई बाय थ्री, तो ये टू पाई बाय थ्री, मतलब इतने को सॉल्व करूंगी तो टू पाई बाय थ्री, ठीक है। अब रूट थ्री जो है टैन की वैल्यू किस पे होती है, सिक्सटी पे, यानी पाई बाय थ्री। अब को सेकेंड इनवर्स टू बाय रूट थ्री सिक्सटी पे होती, पाई बाय रूट थ्री, तो ये कट जाएगा सारा
आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। ओके, बहुत इजी चैप्टर है ये, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बहुत जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी डिलीट है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए, लेट अस डू द नेक्स्ट। और ट्राई करो खुद करने की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। वैल्यू ऑफ दिस, ये लीजिए, हम ये तभी काट सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन तभी कटता है अगर ये मेरी रेंज में आता, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाइक है। मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती, मतलब काट नहीं सकती हूं। तो इसके लिए सबसे पहला काम मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस यहां आएगा, फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा या वैल्यू जो भी, थीटा नहीं एक्स, अभी मैंने बताया माइनस क्या होता है, माइनस एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता, तो दैट मीन अल्टीमेटली ये नेगेटिव बाहर आ जाना, आ जाएगा कि नहीं। अब क्या करें, हमेशा ब्रेक करते हैं नीचे वाले मल्टीपल्स, जो नीचे होता है ना उसका मल्टीपल, तभी वो रेंज के अंदर लाई करता है या प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करता है। अब मैं देख रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं, बच्चों ने आंसर माइनस 17 पाई बाय 8 लिख देना है, वो गलत होता है बेटा। हम साइन इनवर्स और साइन को तभी काट सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस 90 टू 90, क्या उसमें ये लाई करता है, नहीं करता, तो मैं ऐसे काट नहीं सकती हूं, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता है। ये देखें 16 पाई प्लस पाई बाय 8, ठीक है, इसको कैसे लिख सकती हूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 8। अब 2 पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, इसी को सॉल्व कर रही है ना, प्लस 1 का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, साइन 2 पाई प्लस थीटा बिल्कुल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है, और 2 पाई हो या मेरे पास जो है 180 हो, साइन का साइन ही कॉस का कॉस ही, तो ये मेरे पास आ गया माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 8। ओके जी, अगर आप पाई बाय 8 की वैल्यू देखो वो 90 से छोटी है, 90 से छोटी है ना, 180 बाय 8 करके देख लो, 90 से छोटी है, तो 100% साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल, माइनस पाई बाय 8 इज द आंसर। आपको समझाने के लिए इतने लंबे स्टेप किए, हम तो ऑरली कर लेते हैं यहाँ पर, मैं ये स्टेप 2 वाला एक ही में करके उसके बाद इसके बाद मैं सीधा यहां पर आती हूँ ऑरली में, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये स्टेप करके दिखाया, मैं ये नहीं दिखा सकती, चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि पता है जब आप 16 को 8 से करोगे तो वो 2 पाई प्लस आएगा, और उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, तो आपको पता है वो सीधा वो, यानी आप ये स्टेप के बाद ये और ये के बाद ये, सीधा आंसर लिख सकते। ओके जी, सिर्फ हमने तो एमसीक्यू देखना है ना, बाकी आप पे डिपेंड करता है स्टेप्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड वाले तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। जल्दी बताइए, कॉट इनवर्स में जब नेगेटिव होता है, देखो हमने फॉर्मूला किया कि कॉट इनवर्स
मेरे पास होता है तो वो पाई माइनस आ जाता है ना, कॉट कॉस सीकेंट, कॉट कॉस सीकेंट में जब भी नेगेटिव अंदर हो तो वो पाई माइनस बन जाता है, यानी यहां का तो सीधा पाई माइनस मेरे पास कॉट की रूट थ्री की वैल्यू किस पे होती है, थर्टी पे, थर्टी पे होती है, यानी पाई बाय सिक्स, और इसकी सिक्सटी पे पाई बाय थ्री। अब अपने आप ही लॉजिक लगाया करो बेटा, पाई माइनस पाई मतलब 180, 180 माइनस मेरे पास जो है 30, 150, माइनस 150 में से मैंने कितने माइनस किए 60, तो कितने रह गए माइनस 90, तो सीधा माइनस पाई बाय टू। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब बी रेडी टू टेल मी द आंसर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सीकेंट इनवर्स, जल्दी निकालिए। अब ऑनलाइन स्टूडेंट बी एक्टिव, टर्न बाय टर्न सबने बताना है। चलिए बेटा, सबसे पहले सुहानी बेटा आंसर बताइए थर्ड क्वेश्चन का, जल्दी अनम्यूट कीजिए सुहानी। यस मैम। हाँ जी बेटा आंसर बताइए। हम टैन इनवर्स रूट थ्री को लिखेंगे पाई बाय सिक्स। ओके, पाई बाय थ्री। हाँ जी बिल्कुल। फिर और सेकंड इनवर्स माइनस टू को लिखेंगे पाई बाय, ये नेगेटिव, इसको पाई माइनस सेकंड इनवर्स लिखेंगे। हाँ जी, तो थीटा कितना हो गया पाई माइनस सेकंड इनवर्स पाई बाय थ्री। बिल्कुल पाई बाय थ्री, बिल्कुल ठीक है, पाई बाय थ्री माइनस पाई माइनस पाई बाय थ्री। हाँ जी, ये हो गया मेरे पास पाई बाय थ्री, बिल्कुल जी, टू पाई माइनस पाई पाई बाय थ्री, थ्री माइनस पाई बाय थ्री आंसर। ओके बेटा, गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास तो है फोर्थ क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल्स टू पाई, बी है वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय टू, थर्ड वाई, रसिका अनम्यूट योर सेल। यस मैम। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? वाई, हाँ जी बताइए बेटा, वाई की हमने वैल्यू बतानी है ना, वाई क्या होता है रेंज, तो मुझे ये बताओ साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? पाई बाय टू टू पाई बाय, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। कौन सा लेंगे, बी वाला के डी वाला? दोनों में माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है। मैंने बी वाला, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ओपन नहीं थी रेंज, हमने क्या ली थी, क्लोज्ड ली थी, तो दैट मींस इक्वल टू वाला आएगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। चलिए नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। चलिए नेक्स्ट राना, सिंपल क्वेश्चन है ये, पाई बाय फोर। बिल्कुल जी पाई बाय फोर, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 कहां पर होता है, 45 पे, मतलब पाई बाय फोर, अब वो 45 पे है तो 45 लाइज बिटवीन माइनस 90 टू 90, तो दैट मीन सीधा प्रिंसिपल वैल्यू तो हो ही नहीं। वेरी गुड, आंसर इज पाई बाय
4. Now next, principal value of cot inverse minus 1 by root 3. Prabhnoor? Prabhnoor, beta? Yes, ma'am. Bataiye, beta. Ma'am, 5 minus pi by 6. 5 pi by 6. Kitna? 5 pi by 6. 5 pi by 6. Chalo, check kar lete hain ek baar. Meri option mein nahi hai. Might be book mein galat diya ho. Let us see. Mere paas. Cot inverse minus theta. Kya hota hai? Pi minus cot inverse theta. Mere paas. Ab cot ki value 1 by root 3. Kis mein aati hai? Pi by... बिल्कुल जी 30 पे आती है तो दैट मींस मेरे पास तो है पाई बाय 6 बिल्कुल करेक्ट है 5 पाई बाय 6 बिल्कुल करेक्ट है बेटा चलिए नेक्स्ट मेरे पास तो है लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हां जी बेटा हियर इट इज रिटन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ secant inverse x a 0 to pi b open 0 to pi interval c 0 to pi minus pi by 2 d 0 to pi minus pi by 2 हां जी बताइए cos inverse की क्या होती थी 0 to pi तो 90 पे cos define नहीं ना होता cos 90 is 0 मतलब तो उल्टा करेंगे तो मतलब वो define नहीं ना होगा तो वो 90 वाली value निकाल देना तो option कौन सी आ जाएगी c okay बेटा clear now come to next बेटा सारों की domain and range आपने learn करनी है मैं बार बार कह रही हूँ चाहे वो secant है cosecant है tan है cot है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का है स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है जी मैक्सिमम क्वेश्चन है मेरे पास जो इसके नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू निकालिए किसकी टर्न है लक्षित Yes. लक्षित बेटा वैल्यू निकालिए इसकी निकालो अनम्यूट कीजिए अपने आप को लक्षित यस मैम मैं निकाल रहा हूं एक मिनट लक्षित लाउडली बोलिए थोड़ा मैं निकाल रहा हूं एक मिनट ओके ओके जल्दी बताइए बेटा अरे सिंपल बताइए साइन इनवर्स वन बाय टू कहां पर होता है लक्षित पाई बाय सिक्स पे होता है दैट मींस 30 पे होता है टू पाई बाय सिक्स ऐसे है ये कट गया कितना बना मेरे पास हो गए टू कॉस पाई बाय थ्री अब मुझे बताइए कॉस पाई बाय थ्री वैल्यू पाई बाय थ्री की वैल्यू बहुत अच्छी बात है लर्न कर लो अच्छी तरह वन बाय टू हाँ जी पाई बाय टू वन बाय टू वन बाय वन बाय टू वैल्यू जो है क्योंकि 180 बाय 360 जो साइन 30 की होती है 1 बाय 2 ये कट गया पाई बाय 4 इज द आंसर ओके जी वैल्यू गलत पुट करोगे तो काम खराब हो जाएगा वैल्यूज तो लर्न कर लो नाउ कम टू नेक्स्ट मेरे पास हो गए अब ध्यान से देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स
for all x belongings to minus 1 to 1. Jaldi bataiye. Maximum and the minimum value ka difference. Beta sin inverse x ki batani hai. Hai na? Sin inverse x ki range kya hoti hai? Minus 90 to 90. माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू यही बोली और डिफरेंस बोला. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस करना. अगर उसकी रेंज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है, मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू ये, तो डिफरेंस क्या होगा? पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू. आंसर इज पाई. पता चला? क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. बट बात ये है, मिन्यूटली आपको हर चीज पता होनी. जिस बच्चे को यही नहीं पता कि रेंज ये होती है, वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन. तभी आपको कहा एक टेबल और एक फॉर्मूला. इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, अपने आप क्वेश्चंस निकलते जाएंगे. ठीक है जी, करूं आगे? चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए. चलिए समयंक, नाउ इट्स योर टर्न. द वैल्यू ऑफ टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2. सबसे पहला काम होता है, ये अंदर माइनस है ना, देखो इसका क्या करना. कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू को मैंने क्या लिखा यार, नोट ही नहीं किया था तब. क्या लिखा हुआ बोलो? चलो पाई माइनस एक्स लिखना है ना, जो भी. अब कॉस इनवर्स 1/2 किस पे होती है बताओ? उसको बोलने दो पाई बाय सिक्स. उन्होंने पाई बाय सिक्स किया, तुम कह दो वो गलत बोल रहे हैं. पाई बाय थ्री होता है. हाँ फिर तो पाई बाय थ्री साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय सिक्स. ये कट गया थ्री, ये पाई बाय थ्री कैंसल. आंसर इज पाई. ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ. चल बेटा नेक्स्ट तुम्हारी टर्न. सारांश, सारांश ही हो ना. चलो बेटा जल्दी बताओ. इतना इजी क्वेश्चन. टैन इनवर्स की वैल्यू रूट थ्री कहां पर होती है? और इसकी समय अपनी टाइम पे बोला नहीं, पाई बाय सिक्स होगी. तो 60 + 30 पाई बाय टू इज द आंसर. इतना तो इजी पहुंचा. नहीं ऐसे बेटा पेपर में तो खुद ही करने हैं, फिर ऐसे आता वैसे नहीं आता, ये प्रॉब्लम है ना बेटा. हमें ना ऐसे करना है ना वैसे करना है, हमने प्रॉपरली करना है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 6 180 डिग्री. पहले डर गए. अरे 680 से क्यों डरना? आप मुझे ये बताओ पुत्र, देखो ध्यान से सोचो, 680 360 के कौन से मल्टीपल के आसपास आता है? 2 के. 720 का पता होता है ना आपको, 720 है ना. तो दैट मींस इसको कैन आई राइट 720 माइनस कितना आएगा बताओ? आप करोगे तो 40. आपको 40 एंगल का पता होता है वैल्यू? नहीं पता है ना मेरे पास तो. हम नहीं पता. अब मैं ऑप्शंस देखूं. पहले ऑप्शन में मेरे पास आंसर दिया हुआ है 60 बी 40 सी 30 डी 50. हमने तो एंगल ही निकालना है, क्लियर कट है. आपको पता है जब
720 माइनस थीटा यानी 2n पाई थीटा करते हैं तो ये पॉजिटिव ही आता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा क्योंकि कॉस की रेंज क्या है, 0 टू पाई यानी 0 टू 180 आ रहा है ना, तो आंसर 40 ऑप्शन भी। अदरवाइज वैसे कोई वैल्यू निकालने को कहा ना, मैं 40 यूज नहीं करती हूँ क्योंकि 40 पे एंगल ही नहीं पता मुझे, बट यहाँ क्योंकि वो कट जाएगा तो 40 ऑप्शन है, तो दैट्स व्हाई चूज इट। ठीक है कि नहीं, बात समझ आई? इतने बड़े एंगल को देख कर घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं, वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। चलूं आगे? चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट अस डू टैन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। चलिए अब ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा से सुहानी, इट्स योर टर्न, जल्दी जल्दी मेरा बेटा सॉल्व करो। यस मैम, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू की जगह लिखेंगे पाई बाय थ्री। हाँ जी, पाई बाय सिक्स लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो वो बन जाएगा अंदर पाई टू साइन पाई बाय थ्री। हाँ जी, साइन पाई बाय थ्री की जगह वन बाय टू रूट थ्री बाय टू लिखेंगे। बिल्कुल जी, और टू टू कैंसिल होकर टैन इनवर्स रूट थ्री बच जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री। हाँ जी बिल्कुल, 60 डिग्री। ओरली क्वेश्चंस हैं अगर आप सोचो तो, बट अगर आपको वैल्यूज नहीं ना पता, कंफ्यूज होते हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो गुड बाय एंड टेक केयर, वी विल डू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके, टुमारो।